जय भीम दोस्तों, आजादी पर क्या सोचते थे बाबा साहब अंबेडकर? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दो दो स्वतंत्रता संग्राम एक साथ लड़े। एक तरफ वो अंग्रेजों की कुरूर नीति के खिलाफ लड़ रहे थे और दूसरी तरफ अपने असंख्य अछूत बच्चों के आजादी की लड़ाई। भारत को आजाद करने के लिए लाखों लोग लड़ रहे थे, लेकिन जाति के चक्रव्यूह में फंसे दबे कुचले समाज के आजादी की जंग वो अकेले ही लड़ रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की नजर में आजादी क्या थी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सिर्फ राजनीतिक रूप से स्वतंत्र भारत होना काफी नहीं है, जरूर इस बात की भी है कि कैसे भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया जाए जहां हर नागरिक के पास धार्मिक और राजनीतिक अधिकार हो, ताकि हर व्यक्ति को विकास का समान अवसर मिले। निसंदेह स्वतंत्रता खुशी की बात है। स्वतंत्रता से हमने कुछ भी गलत होने के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहरने का बहन को दिया है। यदि इसके बातचीत गलत होती है तो हमारे पास खुद को छोड़कर कोई भी दोषी नहीं होगा, इससे चीज बिगड़ना का ज्यादा खतरा है। समय तेजी से बादल रहा है। दुनिया के वास्तविक अर्थों में भारतीयों का कोई राष्ट्र नहीं है, इसका बनना अभी बाकी है। ये मानकर कि हम एक राष्ट्र हैं, हम एक महान ब्रह्म को पाल रहे हैं, हजारों जातियां में बटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जितनी जल्दी हम महसूस करते हैं कि हम अभी तक एक राष्ट्र नहीं है, दुनिया के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में हमारे लिए बेहतर होगा। दिमाग की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति जिसका दिमाग स्वतंत्र नहीं है, भले ही वह जंजीरों में न झगड़ा हो, वो एक गुलाम है। एक व्यक्ति जिसका दिमाग आजाद नहीं, भले ही वो जय में ना हो, वो एक कैदी है जिसका दिमाग मुक्त नहीं है। भले ही वह जीवित है, लेकिन मृत से बेहतर नहीं है। दिमाग की स्वतंत्रता ही किसी के अस्तित्व का प्रमाण है। मैं उसे मुक्त कहता हूं जो अपने विवेक के साथ अपने अधिकारों, जिम्मेदारियां और कर्तव्यों के बारे में जानता है, वो जो परिस्थितियों का दास नहीं है और हमेशा अपने पक्ष में उन्हें बदलने के लिए तैयार और प्रयासरत राहत है। मैं उसे स्वतंत्रता हूं, वो जो अंधविश्वासों और परंपराओं, रीति रिवाज, बेमतलब के अनुष्ठान और समारोह का गुलाम नहीं है, जिसमें तर्क करने की लौ बुझी नहीं है, मैं उसे आजाद आदमी कहता हूं। 25 नवंबर जनवरी 1949 को संविधान सभा में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश होगा। उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा? क्या वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या फिर उससे को देगा? यह पहले विचार है जो मेरे दिमाग में आता है। ऐसा नहीं है कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था। मुद्दा यह है कि उसने एक बार वो स्वतंत्रता खो दी जो उसके पास थी, क्या वो इसे दूसरी बार भी खो देगा? यह ऐसा विचार है जो मुझे भविष्य के लिए सबसे अधिक चिंतित करता है। मुझे इस बात बहुत ख्याल है कि न केवल भारत ने एक बार अपनी स्वतंत्रता को दी है, बल्कि उसने अपने कुछ लोगों की बेवफाई और विश्वासघात नहीं से को दिया। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? ये वो सोच है जो मुझे चिंता से भर देती है। ये चिंता इस तथ्य के साथ से गहरा जाती है कि जातियां और पंथियों के रूप में हमारे पुराने दुश्मनों के अलावा हमारे पास कई राजनीतिक दालों के साथ विविध और विरोधी राजनीतिक पंथ हैं। क्या भारतीय देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या विदेश के ऊपर पंथ को जगह देंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि यदि पार्टियां देश के ऊपर पंथ को स्थान देती हैं, तो हमारी स्वतंत्रता को दूसरी बार संकट में डाला जाएगा और शायद हमेशा के लिए को खो दिया जाएगा। इस घटना को हम सभी को पूरी तरह से दूर रखना चाहिए। हमें अपने खून की आखिरी बूंद के साथ अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारत इस अर्थ में एक लोकतांत्रिक देश होगा कि उसे दिन से भारत में लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों की सरकार होगी। मेरे दिमाग में वही विचारता है, उसके लोकतांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वो इसे बनाए रख पाएगा या फिर इसे को देगा? ये दूसरा विचार है जो मेरे दिमाग में आता है और मुझे पहले की तरह चिंतित करता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए सामाजिक लोकतंत्र किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो मानते थे कि आजादी का मतलब सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है, बल्कि इस देश में रहने वाले तमाम वंचित वर्गों के ऊपर वर्चस्वशाली ब्राह्मणवादी और जातिवादियों की ओर से थोपी गई गुलामी से मुक्ति पे बिना राजनीतिक आजादी किसी कम के नहीं है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूल को अपनी किताब शुद्ध कौन थे समर्पित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, आधुनिक भारत का सबसे महान शुद्ध जिन्होंने निम्न वर्गों को अपनी गुलामी के प्रति जागरूक किया और बताया कि भारत के लिए सामाजिक लोकतंत्र विदेशी शासन होने से ज्यादा हम हैं। बाबा साहब जी आजादी की बात कर रहे थे, क्या वो हमें मिल पाई? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें
और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।